हेलो एवरीवन। सो आज का अपना स्टॉक है रेल विकास निगम लिमिटेड। सो बेसिकली कंपनी की अगर हम मार्केट कैपिटल की बात करें तो कंपनी की मार्केट कैपिटल है 13,765 करोड़ की। कंपनी की आरओसी है 16.8%। कंपनी का आरओई है 19.7%। क्वार्टर रिजल्ट्स की बात करें तो अप ट्रेंड में शो करेंगे। आपको कंपेरिजन कराता हूँ मैं आपका पूरे 22 का। 22 के मार्च में 378 करोड़, जून 22 में 298 करोड़, सितंबर 22 में 381 करोड़, दिसंबर 22 में 382 करोड़। तो प्रॉफिट इसका ट्रेंड में है। प्रॉफिट एंड लॉस की अगर बात करें ईयर ऑन ईयर में कितना कंपनी अर्न कर रही है, तो कंपनी का 21 से 22 में कंपैरिजन करिए। 21 में है 992 करोड़, 22 में है 1,183 करोड़, यानी कि तकरीबन 150 करोड़ से ऊपर का प्रॉफिट है। ठीक है, एंड 200 करोड़ के आसपास। सॉरी, टीटीएम देखेंगे, टीटीएम बढ़ के आ रहा है 1,439 करोड़ का प्रॉफिट 2023 में इसके आसपास का आ सकता है, जैसे ट्रेलिंग 12 मंथ बता रहा है। ठीक है, बैलेंस शीट में देखते हैं तो कंपनी के पास रिजर्व है 4,938 करोड़ की, बॉरोइंग्स हैं 6,361 करोड़ की। कैश फ्लो देखें तो कंपनी के पास मार्च में 2022 में कैश फ्लो है 3,187 करोड़ का। इन्वेस्टर्स में जाएं तो कंपनी की प्रमोटर की होल्डिंग है इसमें 78.20, 78.20 है। ठीक है, फॉरेन इंस्टीट्यूशन की होल्डिंग है इसमें 2.45, डोमेस्टिक की है 6.45 और पब्लिक की है 12.92। अगर मैं फॉरेन इंस्टीट्यूशन की बात करूं, फॉरेन इंस्टीट्यूशन वालों की, तो यहाँ पे उन्होंने अपनी इंक्रीज की है होल्डिंग। सितंबर आप जून 22 में देखिए सिर्फ 0.95 है, वही सितंबर 22 में हो जाती है 1.76, 1.76, और वही दिसंबर 22 में हो जाती है 2.45। यानी कि प्रमोटर अपनी होल्डिंग बढ़ा रहे हैं, जैसे जैसे उनको क्वांटिटी मिलती जा रही है वो बाय करते जा रहे हैं। ठीक है, डोमेस्टिक में देखिए उन्होंने अपनी होल्डिंग कम करी है। हाँ, उनकी होल्डिंग एवरी मैं कहूँ कि उनकी होल्डिंग 2021 से लेके और 2022 2021 के मार्च से लेके 2022 का दिसंबर, इससे आप कंपैरिजन करेंगे तो यहाँ पे आपको होल्डिंग कम मिलेगी। पता नहीं क्यों, बट डोमेस्टिक अपनी होल्डिंग धीमे 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 कम करते हुए जा रहे हैं। पब्लिक की होल्डिंग वहीं पे बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है। पब्लिक की होल्डिंग पहले से काफ़ी इंक्रीज, 2-3% के ऊपर इंक्रीज हो चुकी है। अब चलते हैं चार्ट पे। तो कंपनी का चार्ट कुछ, ये तो मैंने 1 मिनट लगा रखा है, पढ़ता हूँ उसको मंथली पे। सो चार्ट में बहुत कुछ है देखने के लिए, जो चार्ट को बहुत अमेजिंग बना देता है इसमें। तो देखो, कंपनी लिस्टेड हुई थी 2019 के अप्रैल में, तब उसकी प्राइस 18-20 रुपए के आसपास की थी। कंपनी धीमे धीमे अपने आप को मूव करते हुए 30 रुपए के आसपास लेके आई। देन अक्टूबर में, क्या अक्टूबर नवंबर में, एक ऐसा बुलिश रन आया कि स्टॉक 35 रुपए से सीधा 90-80 पर टच करके गया। देन अभी 4 महीने से कंपनी साइडवेज सा परफॉर्म कर रही है। पर अगर हम वीकली पे जाके देखें तो वीकली पे इसमें कुछ और ही देखने को मिलेगा। ये देखो, ये इसका पोल बन गया, बहुत हैवी पोल बना। देन एक फ्लैग, फ्लैग के बाद ब्रेकआउट, देन थोड़ा सा रन ऊपर, दो कैंडल बुलिश कैंडल दो ऊपर बनी, देन फिर से फ्लैग। अभी मार्केट ओपन है तो अभी देखते हैं कि अभी कर क्या रहा है ये स्टॉक। ठीक है, तो ये देखो, ये डोजी टाइप की है फिलहाल, तो मतलब ये कैंडल है डोजी टाइप का दिख रहा है अभी। तो एक्चुअली इसमें कुछ अब दिख रहा होगा आपको ढंग से, देखिए प्लस सा दिख रहा है ये लाइन के ऊपर। तो ये अभी मार्केट चल रही है, हो सकता है इसके ऊपर क्लोज दे दे, ऊपर क्लोज देती है तो सकता है कुछ एंट्री के कुछ मशीन बन जाए। देखते हैं डेली पे क्या कर रहा है। हाँ, तो डेली पे देखो थोड़ा और पुश कर रहा है अपने आप को ऊपर मूव करने में, एंड लग तो रहा है थोड़ा ऊपर जा सकता है, बट देखते हैं क्या होता है फ्यूचर में। सो आज के लिए इतना ही, डन फॉर टुडे, थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो।